प्रभात स्टेडियम में आज इंटर एरिया क्रिकेट टूर्नामेंट 2021-22 का उद्घाटन होने जा रहा है और मैच शुरू होने से पहले पिच रिपोर्ट के लिए शशि तिवारी जी को रिक्वेस्ट करेंगे वो पिच का रिपोर्ट करें। मुखबा क्षेत्र के प्रभात स्टेडियम में दोनों टीमों का अभिवादन करते हैं हम लोग आज का मैच दर्शकों के पिच में खेला जाएगा। विकेट बहुत बढ़िया है और ऐतिहासिक प्रभात स्टेडियम में आज के इस कार्यक्रम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम लोगों के बीच आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महाप्रबंधक मुखबा क्षेत्र आदरणीय श्री डीसी सिंह साहब उपस्थित हैं, साथ ही उपस्थित हैं एजीएम साहब। एजीएम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि सबसे पहले बुके लेकर आज के इस कार्यक्रम में जीएम साहब का स्वागत करें। इनका जोर का तालियों से आप सभी लोग सबका अभिनंदन करें। हम लोगों के बीच मुखबा क्षेत्र के सभी एजुड़ी हमारे से जो पर्सनल के जीवन के हमारे टीम जो इसी का सेलेक्ट करेंगे जो भी टीम की हम लोग के बीच उपस्थित है, हम वर्मा साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आज के इस कार्यक्रम में एजीएम साहब का बुके लेकर के स्वागत करें। ग्रुप ए में कुल 8 टीम और ग्रुप बी में कुल 7 टीम है जो नॉकआउट टूर्नामेंट ये खेला जाएगा। टोटल इंक्लूडिंग फाइनल 14 मैचेस होंगे और ग्रुप ए में जो टीम है वो कुमस्तुरिया, केंद्र, सोनपुर, ईसीएल हेडक्वार्टर, सारग्राम, राजमहल, झांझरा और श्रीपुर है। साथ ही ग्रुप बी में पांडवेश्वर, मुकमा, बरकोला, सहारनपुर, सोनपुर बाजारी, कदौरा और एसपी माइंस है। आज का ये पार्ला मैच सर कुमस्तुरिया और श्रीपुर के बीच में होने जा रहा है। कुमस्तुरिया लास्ट ईयर की रनर अप टीम है और आज ये पार्ला मैच यहाँ पर खेलेगी। दोनों ही टीम हम लोगों के बीच उपस्थित है। टीम मैनेजर से रिक्वेस्ट किया गया है कि सर आप लोग अपना टीम लेकर के क्रिकेट ग्राउंड में जहाँ बैनर लगा हुआ है दोनों ही तरफ लाइन अप हो जाए, थोड़ी ही देर में हम लोग ग्राउंड की तरफ चलेंगे। आज का जो ये मैच जिसमें निर्णायक के रूप में एम्पायर्स जो होंगे वो बीसीसीआई लेवल 1 के 2 एम्पायर्स हम लोगों के बीच है। डीसीए को रिक्वेस्ट किया गया था कि आप हमें इस पूरे टूर्नामेंट को कराने के लिए हम लोगों को एम्पायर्स दीजिए और उन्होंने एम्पायर्स और इसको जो ऑफिशियल्स हैं आज के धर्मेंद्र कुमार और ओम प्रकाश राय जी हैं और एस्पोर्ट के रूप में श्री सुधीर कुमार हैं, सुधीर राव जी, ये डीसीए के दोनों तीनों ही ऑफिशियल्स हैं। साथ ही हम लोगों ने इस पूरे इवेंट को लाइव यूट्यूब के जरिए दिखाने का भी प्रबंध किया है और जो रॉक टीवी 8 के माध्यम से जिसके राजेश कुमार सिंह जी हैं इसके जो होल्ड करते हैं इसको रॉक टीवी 8 के माध्यम से यूट्यूब पे टीम का जो ये वीडियो इवेंट लाइव और लाइव स्कोर भी देखा जा सकता है। तो हम सर को रिक्वेस्ट करेंगे कि सर और इसके बाद अपना संबोधन करते हुए सर ये टूर्नामेंट को उद्घाटन की घोषणा करेंगे। तो सबसे रिक्वेस्ट है सभी एजुडी जेसीसी मेंबर्स हमारे जितने भी टीम के एज ए मेंबर ऑफ सेलेक्टर हम लोगों की टीमों से परिचय प्राप्त करेंगे। आइए पहला टीम कौन है?
सेलेक्टर लोग सामने आ जाइए, सेलेक्टर लोग सामने आ जाइए, अंपायर सेलेक्टर सर। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, सर आज मैच का ओपी रहा अंपायर है सर, जीएम साहब बोले पहले मैं सर के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ, शायद आप लोग नए लोग हैं, आपका शायद साहब के बारे में जान नहीं रहा। हम लोग का सर जो है इंटर कंपनी का जो बैडमिंटन था उसमें लगातार 6 बार आईसीएल को चैंपियन कराया है और इसके साथ हम सर को हैंड ओवर कर रहे हैं। आज इंटर एरिया क्रिकेट टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है और इस मौके पर उपस्थित हमारे एजीएम सर, सभी एचओडीज, एजेंट्स, मैनेजर्स, जेसीसी के मेंबर्स, वेलफेयर कमेटी के मेंबर्स और यहां पर उपस्थित खिलाड़ी भाई, उपस्थित खिलाड़ी गण, अच्छा लगता है पुराने खिलाड़ी और जो उसका करते हैं और यहाँ पर उपस्थित सभी मान्य, हम सभी जानते हैं खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है और खेल से हमारे फिजिकल मेंटल सभी पूरा फुल ग्रोथ के लिए खेल बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पर जो उपस्थित टीम है मस्टोरिया और श्रीपुर, दोनों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ और दोनों कोशिश करें और टूर्नामेंट जीते। इसके साथ ही साथ और भी जो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है टीम, मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, सभी को मैं ये संदेश देता हूँ कि पूरी तरह खेलें, 100% खेलें, टीम भावना से खेलें, खेल भावना से खेलें और इस टूर्नामेंट को सफल बनाएं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आई डिक्लेयर दिस इंटर एरिया क्रिकेट टूर्नामेंट ओपन 2021। इसके बाद ये एक एक टीम अपना इधर से सामने आ जाए और सामने आ जाए। यहाँ पर बाकी लोग कॉल किसका होगा? आइए बॉलिंग करते हैं। कुनसुरिया ने टॉस जीता है, अब क्या करना चाहिए? बैटिंग पर एक बार
शाहबुद्दीन खान जी कप्तान है कुनस्तुरी एरिया के और अमित सिंह श्रीपुर एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जय कैप्टन। तो आज यहाँ पर आप लोग आए हैं तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर, ये ग्राउंड कैसा है और आपका माहौल कैसा है और अपनी टीम के बारे में थोड़ा बताइए। यहाँ का ग्राउंड ऑलवेज बढ़िया ही रहता है हमेशा, यहाँ का सब कुछ बढ़िया, टीम भी मेरा अच्छा है, इनकी बैटिंग काफ़ी अच्छी है, बॉलिंग के बारे में बॉलिंग भी इनकी अच्छी है। कितना टारगेट रखना चाहेंगे आप ये आप बताएंगे? हमारे श्रीपुर टीम में सभी अच्छे प्लेयर्स हैं और रहा बात ग्राउंड यहाँ का एटमॉस्फेयर के लिए, यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही सुंदर है और ग्राउंड भी बहुत ही अच्छा है और हम लोग ज़्यादा कोशिश करेंगे कि अच्छा अपना परफॉर्मेंस दें टीम स्पिरिट के साथ और जो क्रिकेट का स्पिरिट है उसको बरकरार रखेंगे और अच्छा एक खेल कर आप लोगों को हम लोग डेवलप करेंगे और मतलब मुआयना करेंगे अच्छा खेलें। थैंक यू वेरी मच दोनों ही टीम को, बेस्ट ऑफ लक आज के मैच के लिए और ये पहला मैच है, उम्मीद करेंगे कि आप लोग अच्छा खेल सकते हैं। बोलो जी हम साथ में रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हम साथ खेल कर करते हैं इस कार्यक्रम को। अच्छा का खेल है क्या हमारा सीधा जाएगा कि नहीं जाएगा वही दिक्कत है सर। सीधा मारिए ना सर, सीधा चल जाएगा। अरे इससे सीधा, अरे वाह, बोल चार रन की एक्शन और एक बॉल भास्कर साहब का बॉल कहीं भी फेंकेंगे सर विकेट नहीं जाता है। विकेट लिया देख लीजिए भास्कर साहब एक्सपीरियंस थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थोड़ा एक्स्ट्रा रन से और इसी के साथ टीम का भी स्कोर एक रन। कहाँ लगाना है चेयर ले ना, चेयर तो हर दुनिया भर निकाल ले, दू चार टू चेयर बैठ जाएंगे वो राजेश है तो बैठना बढ़िया कलाइयों का उपयोग और स्क्वायर लेग में फील्डिंग करते हुए सिर्फ एक रन ही अपना खाता खोलते हुए साहबुद्दीन। आप एगो छाता लगा के ना छत पे बैठिए, नहीं तो सेट कर दीजिए। हेलो अब बोल रहे थे ना एक किलो वाला साइज का बॉल कौन भी दो चाहिए ऑरेंज फ्लेवर में और बेनुगोपाल का उल्लिख
हाँ हेलो बोल रहे हैं एक किलो साइज वाला कौन भी आपका ऑरेंज और नींबू दो बता दीजिए ना नींबू अंडी एक के जी का साइज नींबू फ्लेवर और अच्छा ऊपर में आता पे क्या स्लिप दे दीजिएगा कितना हुआ है ऊपर वाला एक ओवर के समाप्ति पर 7 रन टीम ऑस्ट्रेलिया एरिया में बिना कोई विकेट बनाए अभी तक 7 रन बना चुके हैं। जैसा कि ये 20 ओवर का खेल है और जो सर्कल है वो 6 ओवर का है। इस सर्कल ओवर में सिर्फ दो ही प्लेयर सर्कल से बाहर रह सकते हैं, बाकी सभी प्लेयर सर्कल के अंदर रहेंगे। विकास को बोल सकते डायरेक्ट गार्जियन को बोल हम बात करेंगे तो सब आते हम बोलेंगे तो भेज देंगे। और दूसरी छोर से गेंदबाजी का भार संभाले हैं जेके शर्मा जी सॉरी जेके बर्मन जी। और स्ट्राइक में है कृष्णेंदु बहुत ही बढ़िया कलाइयों का उपयोग और स्क्वायर लेग में एक रन के सामने पाया गया उनके पैरों को और ये पहला झटका कनुस्तोरिया एरिया का कृष्णेंदु के रूप में 16 रन टीम का स्कोर पहला विकेट गिरता हुआ